विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के 39 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, जिसमें खरगोन जिले के महेश्वर विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार मेव का नाम घोषित होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी का पुतला फूंक कर विरोध दर्ज कराया है। इसी कड़ी में रविवार को तकरीबन 1000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके पहले चुनाव में मेव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर दूसरा स्थान प्राप्त किया था, जबकि भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इसी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली स्वरूप महेश्वर विधानसभा के कई गांवों में जाकर राजकुमार मेव का विरोध करके प्रत्याशी बदलने का आलाकमान को संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं के ये एक आक्रोश का प्रदर्शन था। सब पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, पार्टी में मेरे जैसे 50-50 साल से भी रह रहे, हमारे बीच में गजानन सेठ जैसे आए जो जनता पार्टी के और जनसंघ के पहले मंडल के विधानसभा के अध्यक्ष थे। मैं कभी लिस्ट का नाम गिनाऊं तो ऐसे सैकड़ों बुजुर्ग कार्यकर्ता भी हमारे साथ आ रहे हैं, और सिर्फ एक प्रकार से ये जबरदस्त उनका उनके साथ जो ये इस प्रकार की घटना घटी है, जो टिकट को लेकर जो स्थिति चल रही है उसको देखते हुए ये एक तरह से बहुत बड़ा भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं का ये अभियान है। मूल कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन करा है, इसमें जो है चारों मंडल के सारे कार्यकर्ता इसमें आ गए हैं, कई जिला पदाधिकारी हमारे साथ है लगभग पूरे, और इसके बाद जिला पदाधिकारियों के अलावा जिला जनपद के तीनों सदस्य चारों सदस्य हमारे साथ है, जनपद के 11 सदस्य हमारे साथ है, इस आक्रोश में हमारे साथ है। और जो चाहते हमने कोई भी गैरवाजिबी गैर कानूनी काम नहीं होने दिया, भारतीय जनता पार्टी के बैनर में चलकर भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान होने का प्रमाण दिया है कि हमारी मांग स्वीकार करी जाए। और ये है मैसर विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का मूल का आक्रोश, इसको आप अन्यथा बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम बाहर से लाए कि भीतर से लाए। जिंदगी हमारी निकल गई, वो सारे सैकड़ों हजारों की कार्यकर्ता ने आज सड़क पे उतरे हैं। सिर्फ इसलिए क्यों विरोध हो रहा है? जबरदस्त विरोध हो रहा है, प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। प्रत्याशी के विरोध में यहाँ भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार सड़क पे उतरी है, और ये जो माहौल चल रहा है ये सिर्फ उनकी एक ही मांग है कि प्रत्याशी का बदलाव होना चाहिए, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के ये मूल कार्यकर्ता जो कि हर गांव में सैकड़ों की संख्या में है, जो कि महासागर बन सकता है, और हम जैसे लोग रोक रहे हैं कि आप इस्तीफा मत दो पार्टी से, पार्टी में उचित निर्णय आएगा, पार्टी में बहुत बढ़िया। हाँ, पार्टी भारतीय जनता पार्टी किनको चाहते हैं आप? कोई भी हमारा जो चाहने वाला निर्णय है कि स्थानीय हो, हमारे यहाँ साथ में जो भी व्यक्ति आया है, जो भी हमारे साथ निष्ठा से कई प्रत्याशी घूम रहे हैं, जो पार्टी का सघन दौरा भी कर रहे हैं, भलाई समाज भी इससे वंचित रहा है, भलाई समाज का भी होना चाहिए। भलाई समाज का भी होना चाहिए। क्या राजकुमार को नहीं चाहते हो? राजकुमार का 2018 बाकी चुनाव लड़ा। सवाल ये है कि राजकुमार को हम आज नहीं चाहते, हम ही है लाने वाले, और हम क्यों नहीं चाह रहे, इसका भी मूल कारण लोगों को पता है। जब भारतीय जनता पार्टी का वक्त आया था तो ये निर्दलीय के रूप में आपको सबको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी के मूल लोगों को छाती पे ठेस लगी थी, जब ये कठोर हमने भी सहन करा था, और आज भारतीय जनता पार्टी इसको ले रही है। पार्टी का निर्णय जो था उसको हमने कोई वो नहीं करा उस वक्त विरोध, पर अब वो यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में ला रहे हैं तो उसका ये आक्रोश है, ये जबरदस्त आक्रोश है, और मैं
मैं पार्टी में पुराना आदमी हूँ और मेरे से भी बड़े बड़े पुराने आ गए हैं। ये नेताजी है, भीम सिंह चोहेल और इनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी धरगांव में राकेश भाई है, कई कार्यकर्ताओं के नाम बता सकता हूँ, तीसरी पीढ़ी के लोग है, ओंकार सिंह के पिता है। आज का जो ये विरोध था, इसमें विरोध में आपने क्या करा था? आज विरोध में जबरदस्त सब रैली निकाली, कहाँ से कहाँ तक विरोध रैली निकाली है? पूरा बलवाड़ा से, एक मिनट भैया बोल, बलवाड़ा से कतरगांव आए, पिपलिया वाले कतरगांव आए और कतरगांव से सभी दूर होते हुए महेश्वर आए। भारतीय जनता पार्टी ने यदि इस उम्मीदवार को नहीं बदला तो क्या करेगी कार्यकर्ता? पूरा प्रयास करेंगे भारतीय जनता पार्टी, ये वो अमित शाह जी और उनकी पार्टी और सभी निष्ठावान सदस्यों के नीचे से सुनते हैं। आप विगत चुनावों में विधानसभा गुजरात के चुनावों में वो आपको परिदृश्य मालूम है कि इन वक्त पर क्या 14 क्या 16 प्रत्याशी, बहुत बढ़िया, हम भी यही चाहते हैं विकेट कटे, 2018 उसने पाप करा है, 2023 में हम भी पाप कर लेंगे, कोई पापी नहीं बन जाएगा। एक मिनट, बदलेगी पार्टी क्या? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।